सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट एंड ऑलराउंडर स्मार्टफोन अंडर ₹11,000। सो दोस्तों, अगर आपका भी बजट 10 से 11,000 के आसपास है और इस प्राइस रेंज में अपने लिए इस समय पर एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन परचेज करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे तो दोस्तों, इस समय पर 10 से 11,000 के प्राइस रेंज में काफ़ी सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, बट हमने उन्हीं स्मार्टफोन को इस लिस्ट में रखा है जिनमें हमें सबसे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और सुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। इन पांचों स्मार्टफोन में प्राइस के अकॉर्डिंग काफी तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 7000 मिली एम्पीयर की बड़ी सी बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, बाकी 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा एंड फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी करते हैं तो आपके लिए भी बेस्ट फोन होने वाला है अंडर 11,000। इसके अलावा अगर आप गेमिंग करते हैं तो मोस्ट पावरफुल गेमिंग चिपसेट भी देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाइज, फीचर्स आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे इन पांचों स्मार्टफोन में, जो कि मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और इसके साथ ही इन सभी स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा, रीजन बताऊंगा कि क्यों आपको बाय करना चाहिए या फिर क्यों नहीं करना चाहिए। तो गाइज, वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप में से 96% ऐसे यूजर है जो कि वीडियोस तो लगातार देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करो ताकि हम जब भी वीडियोस अपलोड करें तो आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओ। शुरू करते हैं दोस्तों नंबर 1 से, और नंबर 1 पर हमने रखा इनफिनिक्स हॉट 11S को। अब ये फोन इस लिस्ट का सबसे न्यूएस्ट स्मार्टफोन है। जानते हैं इस फोन में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत करेंगे डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो प्लास्टिक का फ्रेम और प्लास्टिक का बैक देखने को मिलेगा, 8.8 mm की थिकनेस, तो ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। हालांकि रियर साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जिसके वजह से इस फोन का लुक थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाता है, बट स्टिल काफी अच्छे डिजाइन देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों, बैटरी के बारे में बात करें तो 5000 मिली एम्पीयर की बड़ी सी बैटरी एंड उसी को चार्ज करने के लिए 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन XOX 7.6। तो पहले के मुकाबले XOX क्लीन हो चुका है, लेकिन अभी भी काफी सारे प्री इंस्टॉल ऐप देखने को मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से अनइंस्टॉल भी कर पाएंगे। बाकी ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, तो 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे, अप टू 256 GB तक का SD कार्ड लगा पाएंगे। चलिए जानते हैं इस फोन में कैमरा सेटअप कैसा देखने को मिलता है। ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है, प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है, और थर्ड कैमरा AI लेंस दिया गया है, बाकी क्वाड LED फ्लैश देखने को मिलेगा। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो पंच होल का कटआउट है काफी छोटा कटआउट है, इस प्राइस रेंज में इससे छोटा कटआउट किसी और स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा, जिसके वजह से कंटेंट कंजप्शन में काफी मजा आने वाला है। फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरे से 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। दोनों ही कैमरे में काफी सारे कैमरा फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बोके वीडियो रिकॉर्ड, टाइम स्लैप, स्लो मोशन और भी बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में आपको मीडियाटेक G88 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है, मतलब बैटरी एफिशिएंसी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी और 2 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी देखने को मिल जाती है। तो 11000 के नीचे G88 इकलौता ऐसा प्रोसेसर है जो कि इस फोन में हमें देखने को मिलता है, तो नो डाउट परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। ये प्रोसेसर Redmi 10 Prime में भी दिया गया है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस IPS पैनल देखने को मिलेगा, लेकिन 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है एंड 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा। T2X1 का ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है डिस्प्ले पर, तो ओवरऑल डिस्प्ले से भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगी, काफी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ड्यूल स्पीकर देखने को मिल जाएगा, हालांकि स्टीरियो स्पीकर नहीं है। चलिए बात करते हैं प्राइस कितनी है। तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 10,999 रुपये पे करने होंगे, तो 11,000 के आसपास ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस लिस्ट का सबसे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, परचेज कर सकते हो, काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है, चेकअप कर सकते हो, बेस्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्मार्टफोन की तरफ, और नंबर 2 पर हमने रखा है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 को। अब ये फ़ोन हालांकि थोड़ा सा पुराना है बट काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर अदर स्मार्टफोन अंडर 11,000। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन में भी प्लास्टिक बैक एंड प्लास्टिक का फ्रेम ही देखने को मिलता है, 8.9 mm की थिकनेस एंड 196 ग्राम वेट के साथ आता है, तो ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इस फोन के बारे में मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, अनबॉक्सिंग एंड कैमरा रिव्यू भी किए हैं इस फोन के, तो चेकआउट कर सकते हो। बाकी 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी एंड उसी को चार्ज करने के लिए 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को
मिलेगा। इस फोन में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए आता है, और दो और सेंसर देखने को मिल जाएंगे 22 मेगापिक्सल के जो कि मैक्रो फोटो और डेप्थ सेंसिंग के लिए आते हैं। इस फोन में आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि एकलौता ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें हमें 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, वो भी 11000 के आसपास। बाकी फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरे से 1080p में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसी के साथ स्लो मोशन, टाइम स्लैप, HDR, नाइट मोड और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो एंड्रॉइड 10 के साथ आता है, बेस्ड ऑन स्टॉक एंड्रॉइड। तो ये इस फोन का बिग हाइलाइटिंग फीचर्स है। इस फोन में आपको किसी भी तरह का स्किन देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी ब्लॉटवेयर एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, तो काफी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। रियर साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस IPS पैनल देखने को मिलेगा, 480 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, तो डिस्प्ले कलर काफी पंची और वाइब्रेंट देखने को मिलता है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो MediaTek G85 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक गेमिंग चिपसेट है बेस्ड ऑन 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस। तो परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, आराम से गेम एंजॉय कर पाएंगे, चाहे पबजी हो, COD हो या फ्री फायर। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 10,999 रुपए पे करने होंगे, मतलब ये फोन भी आपको 11,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो इस फोन को आंख बंद करके परचेज कर सकते हो अंडर 11,000, क्योंकि इस फोन में आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा है, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, और पर्सनली इस फोन को मैंने यूज भी किया है, काफी अच्छा स्मार्टफोन है, चेकआउट कर सकते हो। इसका भी बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों नंबर 3 पर हमने एक ऐसे स्मार्टफोन को रखा है जिसमें हमें बड़ी सी डिस्प्ले और 7000 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिल जाती है, तो इस फोन का नाम है टेक्नो पोवा 2। चलिए जानते हैं इस फोन में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन में भी आपको पॉली कार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी, बाकी 3 कलर ऑप्शन में आते हैं, तो डिजाइन वगैरह काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। हालांकि 238 ग्राम वेट के साथ आता है, मतलब ये फोन आपको डेफिनेटली हैवी फील होने वाला है। बाकी इस फोन में आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाएगा बेस्ड ऑन iOS 7.6। इस फोन में भी आपको थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाते हैं, बट उसे आप आसानी से अनइंस्टॉल भी कर पाएंगे। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो इस फोन में भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। रियर साइड में प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए आता है, और थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि मैक्रो फोटो के लिए आता है, और फोर्थ कैमरा AI लेंस दिया गया है। हालांकि 4 कैमरे के साथ आता है, लेकिन इस फोन में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा, रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। बाकी टाइम स्लैप, स्लो मोशन, HDR, नाइट मोड और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे, तो कैमरा से इस फोन में भी आपको किसी भी तरह का शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। इमेजेस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग काफी शार्प देखने को मिलती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, तो काफी सही बात हो जाती है। 7000 मिली एम्पीयर की बहुत ही बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, और उसी को तेजी से चार्ज करने के लिए 18 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो अराउंड 2 आवर्स लग जाते हैं इस फोन को फुल चार्ज होने में। ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, तो 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले इस फोन का काफी बड़ा है, 6.95 इंचेस का फुल HD प्लस IPS पैनल देखने को मिलेगा। नॉर्मल 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, लेकिन 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है, और 480 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। स्पेशली ये फोन उन यूजर्स के लिए जो लोग ज्यादा कंटेंट कंजप्शन करते हैं, मीडिया कंजप्शन ज्यादा करते हैं, उनके लिए ये फोन बेस्ट रहने वाला है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इस फोन में भी MediaTek G85 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि अगेन एक गेमिंग चिपसेट है बेस्ड ऑन 12nm। इसके साथ ही टेक्नो की तरफ से ET गेम इंजन देखने को मिल जाता है, बेसिकली ये गेमिंग परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, तो गेमिंग या फिर मल्टीटास्किंग में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 10,999 रुपए पे करने होंगे, तो ये फोन भी आपको 11,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। अगर आपको 7000 मिली एम्पीयर की बड़ी सी बैटरी, बड़ी सी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो डेफिनेटली ये फोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। हालांकि इस फोन में आपको किसी भी तरह का डेडिकेटेड स्पीकर देखने को नहीं मिलेगा, जिसके वजह से इस फोन का जो स्पीकर आउटपुट है काफी लो है, तो इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों नंबर 4 पर रखा है ऑल टाइम फेवरेट पोको M3। बहुत ही कम ऐसे स्मार्टफोन है जो कि इसे टक्कर दे पाते हैं। खैर जानते हैं पोको M3 में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन में भी आपको पॉली कार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी, लेकिन बिल्कुल ही डिफरेंट डिजाइन के साथ आता है। बैक साइड में स्मचेस वगैरह नहीं आते हैं, तो ये काफी सही बात हो जाती है। 9.6 mm की थिकनेस देखने को मिलती है, मतलब ये फोन थोड़ा सा मोटा है, एंड
97 ग्राम वेट के साथ आता है, बाकी एंड्रॉइड 10 के साथ आता है बेस्ड ऑन MIUI 12। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए आता है, और थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि मैक्रो फोटो के लिए आता है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कि वी नॉच के साथ आता है। रियर एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसी के साथ टाइम स्लैप, HDR, पैनोरामा और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है तो 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे, अप टू 512GB तक SD कार्ड एक्सपेंड कर पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। बाकी दोस्तों बैटरी के बारे में बात करें तो 6000mAh की बड़ी सी बैटरी है, और उसी को तेजी से चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है तो ये काफी सही बात हो जाती है। 400 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में स्नैपड्रैगन 662 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 11 nm पे बेस्ड है, मतलब बैटरी एफिशिएंसी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, गेमिंग वगैरह कर पाएंगे। और दोस्तों इस फोन में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा तो स्पीकर आउटपुट काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 10,999 रुपये पे करने होंगे तो ये फोन भी आपको 11,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको बड़ी सी बैटरी और फास्ट चार्जर का सपोर्ट या फिर फुल HD प्लस डिस्प्ले या फिर डिफरेंट सा डिजाइन तो इस फोन को परचेज कर सकते हो। और दोस्तों लास्ट में हमने रखा है Redmi की तरफ से आने वाला एक बेस्ट फोन Redmi 9 Power को। अब इस फोन में हमें अच्छा कैमरा, अच्छा डिजाइन और बड़ी सी बैटरी, ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो जानते हैं कि Redmi 9 Power में क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो इस फोन में भी 6000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी विद 18W क्विक चार्जर, तो काफी सही बात है। लेकिन इस फोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और दो और सेंसर देखने को मिल जाते हैं 2 मेगापिक्सल के जो कि बोक इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा जो कि वी नॉच के साथ आता है। रियर कैमरे से 1080p तक 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसी के साथ AI पोर्ट्रेट मोड, HDR मोड, प्रो मोड, पैनोरामा मोड और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे बैक कैमरे में। फ्रंट कैमरे में भी ब्यूटी मोड, नाइट मोड और भी बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर दिया गया है तो इस प्रोसेसर का काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, गेमिंग वगैरह या फिर मल्टीटास्किंग में कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन फुल HD है। अगेन ये फोन भी ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है तो 2 SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। रियर साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, एंड्रॉइड 10 के साथ आता है और इस फोन में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है तो स्पीकर आउटपुट भी काफी अच्छा निकल के आता है। बाकी डिजाइन वगैरह थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली अभी तक हमने जितने भी स्मार्टफोन के बारे में बात किया, लेकिन हाँ ये फोन भी प्लास्टिक बॉडी के साथ ही आता है। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 11,499 रुपये पे करने होंगे, लेकिन अगर आप इसे सेल वगैरह में परचेज करते हैं या फिर कार्ड वगैरह अप्लाई कर देते हैं HDFC या फिर ICICI का कार्ड तो ये फोन आपको 10,500 या फिर 11,000 के आसपास ही मिल जाएगा। तो ओवरऑल इस फोन में भी काफी तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, चेकआउट कर सकते हो। इसका भी बेस्ट बाय लिंक, इनफैक्ट सभी स्मार्टफोन के बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो जरूर चेकआउट कर लेना। सो दोस्तों यही थे इस समय के कुछ बेस्ट एंड ऑलराउंडर स्मार्टफोन अंडर 11,000। इनमें से आप किसी को भी पिक कर सकते हो अपने यूजर्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।